हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम लाई का लड्डू बनाने बताएंगे। सबसे पहले हमको तिल भून लेना है। ये तिल सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। और उसके बाद हमें मूंगफली भी भून लेना है। मूंगफली डालने से अच्छा लगता है और ठंडियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है। और उसको उसके बाद लाई को भी थोड़ा कुरकुरा करने के लिए भून लेना है। ऐसे कुरकुरा हो जाएगा और उसके बाद हमें पाग तैयार करना है। गुड़ का पाग ही मेन चीज़ है। अगर पाग बढ़िया बना गुड़ का तो जानिए कि हमारा लाई का लड्डू बढ़िया बन गया। इसीलिए देखिए पाग तैयार हो रहा है, गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। देखिए अगर ये पाग को कैसे पता चलेगा, जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगी। देखिए साइड साइड थोड़ा कढ़ाई छोड़ रही है, यही है इसका तरीका। उसके बाद तैयार हो गया है ये पाग। इसमें हम मूंगफली डालेंगे, तिल डालेंगे और इसको इसके बाद लाई डाल के मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम इस प्रकार मिक्स करके और छोटे छोटे चाहे बड़े बड़े जैसे आपको खाना हो लाई का लड्डू बना लेंगे। लाई का लड्डू देखिए बन गया। और खाइए और बताइए कि कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिए।